What's up, you guys? A very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Porna and I hope you all are doing great and safe. So yeah, today I'm going to share with you this colorful, glittery Eid makeup tutorial. So ye makeup tutorial bahut hi simple hai, but at the same time gorgeous bhi hai. So if you are interested, then without further ado, let's jump into this video. So first of all, I'm going to apply my Lakme Absolute Perfect Radiant Argan Oil Gel Cream. So isme argan oil hai, so kafi der tak ye aapki skin ko moisturized rakhe, ki ek radiant glow paane mein madad karti hai, aur summer ke liye bhi best hai kyunki ye gel based hai. नेक्स्ट ऑब्वियसली वी नीड अ प्राइमर. सो ऐसे फॉर कलर्स के ये जो क्रीम बेस्ड प्राइमर है ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत अच्छी है क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स को थोड़ी बहुत मिनिमाइज कर देती है और ब्लर आउट भी कर देती है. बट प्राइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो. अगर बिगिनर्स हो, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट. प्राइमर के बाद अभी बारी है फाउंडेशन की. सो वटनवॉल की ये जो फोटो फोकस फाउंडेशन है ये बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन है समर के लिए. इसका एप्लीकेटर भी काफ़ी हैंडी है और ये ना बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है. सो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी इसको ब्लेंड करने के लिए. और समर के लिए लॉन्ग लास्टिंग अगर आप फाउंडेशन चाहते हो, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट. सो फाउंडेशन को तो मैंने ब्यूटी ब्लेंड की मदद से ब्लेंड कर ली है. अब बारी है कंसीलर की. सो ओरिफ्लेम की ये जो कंसीलर है ये बहुत लाइट वेटेड है. ये आपको मीडियम कवरेज प्रोवाइड करती है. सो अगर आपको थोड़ी सी डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है, डेफिनेटली आप अफोर्डेबल प्राइस में इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हो. सो मेकअप को सेट करने के लिए ना वेट एंड वॉल की ये मिगल लो कंट्रोलिंग पैलेट बिल्कुल बेस्ट है. इसमें जो प्रेस पाउडर टाइप है ये बहुत ही अच्छी है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देती है. सो अब मैं मेरी मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई कर लूंगी. ये है ब्लू हर्ब्स के सेटिंग स्प्रे जो एक ड्यूवी कवरेज प्रोवाइड करती है. अगर आप चाहते हो एक ग्लोइंग मेकअप, देन डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइस में दिस इज द बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे. सो अब बारी है अपनी आई मेकअप स्टार्ट करने की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह से कोम कर लूंगी. मैं अपर डायरेक्शन में कोम कर रही हूँ एज यू कैन सी. उसके बाद मैं वॉश एंड वॉल की ये ब्राउ फिल को इस्तेमाल करूंगी. सो मेरी शेड है मीडियम ब्राउन. अब मैं वॉश एंड वॉल की सेम कंट्रोलिंग पैलेट में जो कंट्रोल है इसको लेके अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज पे फर्स्ट. नेक्स्ट ये पैलेट जो है मैंने बिल्कुल लोकल मार्केट से ली थी. यहाँ पे जो शिमरी एक पर्पल ब्लू शेड है इसको मैं अपनी लिड्स पे लगा लूंगी. ब्राउन शेड के साथ मैं ब्लू शेड को मिक्स करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प ले रही हूँ ताकि दो शेड अच्छे से मिक्स हो जाए. सो ईद मेकअप को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए ब्यूटी ग्लेज्ड की ये कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट में ये सिल्वर के साथ ब्लू की कॉम्बिनेशन में जो ग्लिटर है इसको मैं अपने फिंगर टिप्स की मदद से अपनी लिड्स की बिल्कुल मिडिल पोर्शन में बस थोड़ी सी लगा लूंगी. आप एक बिल्कुल सुंदर सा शेप ड्रॉ करनी है मुझे, लाइक विंग शेप. तो इसके लिए मेबलिन के जेल आईलाइनर है, इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकती है. सो गाइस, मैंने तो बेक की थी सो इसीलिए आप मुझे एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर लेनी है. नेक्स्ट मैं आईलैश कर्ल की मदद से लैसों को कर्ल कर लूंगी और लैक्मे आइकॉनिक ये कर्लिंग मस्कारा को लगाऊंगी. सो अगर आपके पास आईलैश कलर ना भी हो, देन आप इसे ट्राई कर सकते हो तो ये आपके लैसेज को ऑटोमेटिकली कर्ल भी कर देगी. तो आफ्टर द आई मेकअप आप स्टार्ट करेंगे बाकी फेस मेकअप को. सो मिस क्लियर की ये जो शेप योर फेस कंट्रोलिंग पैलेट है, यहाँ पे जो कंटूर शेड है इसको अप्लाई करके मैं मेरी फेस को एक शेप प्रोवाइड करूंगी. नेक्स्ट यही सेम पैलेट में जो बिल्कुल ब्यूटीफुल एक पिंक शेड है, पिंक ब्लश को मैं अपनी चिक्स पे अप्लाई कर लूंगी ताकि मेरी चिक्स थोड़ी सी रोजी दिखे. नेक्स्ट मैं वेट एंड वॉल की ये मेगा ग्लो हाइलाइटर को ट्राई कर लूंगी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड एक हाइलाइटर है. आप चाहो तो कोई भी फैन ब्रश की मदद से इसे आराम से लगा सकते हो. सो मेकअप पे ना लिपस्टिक एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है. सो फर्स्ट मैं NYBA की ये जो लिप पेंसिल है इसको अप्लाई कर लूंगी. ये बहुत ही क्रीमी है और अफोर्डेबल भी है. सो ये मेरी रिसेंट परचेज भी है. नेक्स्ट मैं मिस क्लियर की सॉफ्ट मैट लिक्विड लिप क्रीम को लगा रही हूँ. सो आप देख ही पा रहे हो कितनी क्रीमी है. सो डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की लिक्विड लिपस्टिक चाहते हो ना, देन मिस क्लियर इज द बेस्ट ऑप्शन. अब हम इसे मेकअप सेटिंग स्प्रे को अप्लाई करके अपनी फेस को सेट कर लेंगे.
So yes guys, this is how I end my today's Eid Special Colorful Glittery Makeup Tutorial. I hope aapko ye look pasand aaye hai. If yes, then do let me know in the comment section below. Like, share, zarur kare. Jaane se pehle subscribe bhi please kar dijiye. To chaliye milte hain mere next video mein bahut hi jaldi. Till then, take care of yourself and I love you all. Bye bye.